नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल हाइजीन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि साउंड मीटर या फिर लक्स मीटर या फिर टीडीएस मीटर या फिर एनोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, लंग फंक्शन टेस्ट, काटा थर्मामीटर, ग्लोब थर्मामीटर, फिजिकल फिटनेस एक्सेट्रा। तो इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट आज हम देखने जा रहे हैं और उसी के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, यानी कि आपको यहाँ से आपकी लैबोरेटरीज में, कॉरिडोर्स में, क्लासरूम में, वर्कशॉप, लाइब्रेरी में या फिर ग्राउंड या फिर नियर बाय हाईवे, यहाँ पर अलग अलग जो पैरामीटर्स है वो चेक करने हैं। तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मैं दिखाने जा रहा हूँ, साउंड मीटर। तो साउंड मीटर ये साउंड मेजर करने वाला सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोब है, ये प्रोब से ये साउंड रिसीव करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेसिस पे यहाँ पे ये आपको डेसिबल्स में साउंड बताएगा। तो इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर ये पावर बटन है, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, या फिर जो भी रीडिंग आता है वहां पर होल्ड भी कर सकते हैं। और इसमें एक स्केल दिया है, जैसे कि ये यहाँ पे अलग अलग स्केल्स यहाँ पे दिए हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये अलग अलग स्केल, जैसे कि अगर लाइब्रेरी जैसा कोई सेक्शन है आपके इंडस्ट्री में, ऐसा कोई सेक्शन है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है या फिर जहां पे नॉइस कम जनरेट होता है, तो आपको मिनिमम स्केल पे वहां पे वो रखना है। और उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप ये पावर ऑन करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर अभी दिखता है कि ये एक्चुअली अभी स्टार्ट हो चुका है, और सिंपल अगर आप चेक करेंगे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से वो जो डिजिटल डिस्प्ले पे रीडिंग बताता है वो है डेसिबल्स। तो डेसी मीन्स 10 और बेल्स ये साइंटिस्ट का नाम है, तो डेसिबल्स में आप ये रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इसको कैसे काम करना है, तो इसका मेन सिंपल है कि अगर ये साउंड मीटर आप यूज करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि इम्पल्स साउंड, यानी कि उस टाइम में जो भी साउंड जनरेट होता है सिर्फ वही वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर आपको 8 घंटे के लिए, जैसे हम फैक्ट्री एक्ट 1948 में या फिर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में शेड्यूल में दिया हुआ, या फिर नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 में जो अलग अलग गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे कि अलग अलग सेक्शंस में या अलग अलग एरियाज में डे में या फिर नाइट में मैक्सिमम साउंड कितना होना चाहिए, या फिर जिसको हम कहते हैं TWA, टाइम वेटेड एवरेज। तो अगर 8 घंटे की ड्यूटी है इंडस्ट्री की, तो 8 घंटे के टाइम वेटेड अगर एवरेज निकालना है आपको, तो ये साउंड मीटर सफिशियंट नहीं। तो उसके लिए आपको डोजी मीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उसमें आप 8 घंटे के लिए वो कैरी कर सकते हैं और वो 8 घंटे का एवरेज आपको निकालते हैं। जैसे कि आज के रेट में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में जो अमेंडमेंट आई है, उसमें 85 डेसिबल्स ये मैक्सिमम लिमिट दिया है। तो 85 डेसिबल्स ये उस टाइम का डेसिबल्स का लिमिट नहीं है, तो वो 8 घंटे का लिमिट, ठीक है। तो इसमें इसीलिए महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में शेड्यूल 29 में दो बातें कही गई है, एक इम्पल्स साउंड और दूसरा है कंटिन्यूस साउंड। तो इम्पल्स साउंड यानी कि अगर किसी ने कंप्लेन की या फिर किसी को लगता है कि ये सेक्शन में ये पर्टिकुलर मशीनरी की वजह से या फिर ये रीजन में मैक्सिमम साउंड आ रहा है, तो वो चेक कर सकते हैं। ये पुलिस भी आज के डेट में कर सकते हैं, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 के बाद पुलिस के पास भी ये साउंड मीटर अवेलेबल है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में दिया गया है कि रेसिडेंशियल अगर एरिया रहेगा आपका या साइलेंस जोन रहेगा, तो रात को 10 बजे के बाद में ये आपको पर्टिकुलर साउंड लेवल कंट्रोल करना है। अगर वो 10 बजे के बाद साउंड ज्यादा क्लियर करता है तो कोई भी सिटीजन वहां पे कंप्लेन कर सकता है, और उस कंप्लेन के बेसिस पे पुलिस स्टेशन से जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो चेक करेगा पहले कि इन्होंने जो कंप्लेन की है उतना डेसिबल साउंड यहाँ पे जनरेट होता है। अगर ये सच है तो उसके बेसिस पे उनको वार्निंग दी जाएगी कि आपको ये साउंड रिड्यूस करना है या फिर जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको ऑफ करना है। तो इसीलिए सिंपल अभी साउंड मीटर आप यूज करेंगे, अगर एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेक करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको यहाँ पे अलग अलग एरियाज में साउंड कितना जनरेट होता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उसके जो रीडिंग से आपके प्रैक्टिकल मैनुअल में आपको लिखना है। तो अगर इसके डिटेल रेफरेंसेस आपको देखना है तो आपको नॉइज पोल्यूशन रूल 2000 देखना होगा,
महाराष्ट्र फैक्टर रूल 1963 देखा होगा और फैक्ट्री एक्ट 1948 देखा होगा। ये तीनों रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको जो भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है वो रीडिंग ठीक है या नहीं, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो दी है उसके नीचे ही है नहीं, ये आपको चेक करना है। जैसे कि अगर हम कंटिन्यूअस साउंड देते तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन ही ऐसे कि वहां पे कंटिन्यूअस साउंड जनरेट होगा, जैसे कि अभी प्रेस मशीन हो सकती है या फिर ऐसे कोई इंपैक्ट वाला कोई यहाँ पे कंटिन्यूअस हैमरिंग प्रोसेस होगी तो वहां पे तो कंटिन्यूअस साउंड जनरेट ही होने वाला है। तो वहां पर जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो चेंज है, वहां पर 115